पंजाब का इतिहासिक शहर समाणा जिथे असी खड़े हैं, ये दरगाह है मस्जिद अली दी, जिथे कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों तो सिया मुस्लिम भाईचारे के लोग सजदा करने लिए आते हैं, जियारत करते हैं। सालाना उर्स मजलिस हो जा रही है जिस दे विच पूरे दुनिया के इत्थे लोग पहुँचणगे। असी गलबात करते हैं इलाहाबाद तो एक भाई साहब आए हैं, हाँ क्या नाम है? हाँ। सर मैं इन मौला मशहद अली की बारगाह में आया हूँ। ये हमारे मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद साहब जो उनके नवासे हैं, उनके वंश से हैं, आठवीं इमाम की संतान है ये, जो ईरान में थे, ईरान से वो हिंदुस्तान को पसंद किया, वहाँ से आए और यहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद यहाँ का सारा सिस्टम देखा, उसके बाद इनकी पवित्र धरती पर आपके पंजाब की ये आए हुए हैं। लिहाजा इनके मजलिस का इनेकाद हो रहा है यहाँ 1920 नवंबर को। पूरे वर्ल्ड से, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। आंकड़ा ये लगाया जा रहा है 50,000 के आसपास के लोग आ रहे हैं। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे क्या खासियत है इस दरगाह की? इस दरगाह की खासियत ये है कि इस जगह पर जो भी आता है श्रद्धालु, इनसे मांगता अकीदत से, वो कभी खाली नहीं जाता। और इस धरती पर आने के बाद ये मौला हमारे इराक से आए हुए हैं, ये हम लोग की संकट जो परेशानियाँ हैं इनकी दर पे मांगे पूरी होती है मुरादें। जो इराक और करबला सऊदी नहीं जा सकता, वो गरीब जो भी परिवार का है तो वो इस दर से मांगता है, वो पूरी होती है। 19 और 20 तरीक नूं जिहड़ा समागम है इधरली सफाई नाल जो संबंधित काम ने, या फायर ब्रिगेड की गड्डी स्टेशन करनी है, या कोई स्ट्रीट लाइट है, सारिया रोड लाइट्स ने, इन्हों का प्रबंध साढ़े को। बाकी जो आरजी अरेजमेंट करना टॉयलेट्स का संगत लिए, वो वाटर सप्लाई सैनिटेशन किया हुआ है। बाकी असी इंतजाम सारा चैक कर रहे हैं, जो सफाई नाल रिलेटेड काम है सारा करवा भी दिता, असी लाइट्स वाला काम करवा रहे हैं। मैं यही देखने आए थे इतने भी ठीक चल रहा है इंतजाम। बाकी जिते संगत ने बाहर आना उसे कुछ JCB मंगा के थोड़ा ग्राउंड वगैरह ठीक करना है, वो भी करवा रहे हैं। बाकी मौके पर मैं स्टाफ की ड्यूटियां भी लगाती हैं, फायर ब्रिगेड के बंदे भी, होर भी जो पानी नाल संबंधित काम करवाना, कोई इतने टॉयलेट्स है इतने वो भी अरेंजमेंट करा रहे हैं, भी टेंपरेरी टैंकी वगैरह पानी दे आ जाए। बाकी टाइम टाइम से काम करवाई जावे, होर भी जो लोड पाएगी। बता दूँ 2018 और 2019 के प्रोग्राम के बाद ये जो हमारा सालाना जो मजालिस का जो प्रोग्राम होता है, कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। 2022 में अब जो उम्मीद है 19 और 20 नवंबर को हज़ारों के तादाद में जो हमारे जो कौम के जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका अकीदा है यहाँ पे सलाम करने का, दुआ मांगने का, जो आ रहे हैं, हम उनके लिए आप देख रहे हैं कि हर तरह के माकूल इंतजाम करने में लगे हुए हैं अपनी तरफ से। और इसमें देखिए, हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दरगाह बहुत हैं, लेकिन ये एक ऐसी एक दरगाह है जो एक असल इमामजादे की है, जिनके फादर और जिनके बिल्कुल बुज़ुर्ग हमारे वो ईरान के अंदर, इराक के अंदर दरगाहें हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन इंडिया के अंदर पहले ये इमामजादे हैं हमारे, जो यहाँ बसे हुए हैं, मतलब कि जिनकी यहाँ पे कब्र है, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान से। और उम्मीद है कि इस बार हिंदुस्तान के बाहर से भी जो लोग हैं यहाँ पे ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। और हम, मैं आपके मीडिया के राही एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आवाम को कि हमारे जो 2022 में पंजाब वक्फ बोर्ड के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो MF फारूकी साहब हैं, उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को बहुत हौसला दिया है कि आप इंतजाम करें और हम आपके साथ खड़े हैं, और पूरी कौम उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इतना हौसला बुलंद किया। और समाना की लोकल एडमिनिस्ट्रेटर बिल्कुल वो बाखूबी अपनी, चाहे वो सिक्योरिटी का काम हो, चाहे रास्तों की सफाई का काम हो, चाहे लाइटों का काम हो, चाहे किसी तरह की भी चीज़ अरेंजमेंट करने का हो, तो वो बाखूबी सब लगे हुए हैं। और मैनेजमेंट कमेटी, जैसे 2019-2018 में किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, इस बार भी मैनेजमेंट कमेटी जो है यहाँ किसी तरह की भी कोई कमी नहीं आने देगी। जेड़े लोग यहाँ जियारत करने लिए आ रहे हैं, ये वो दरगाह है जिथे ईरान के बाद हिंदुस्तान से केवल ये दरगाह है मस्जिद अली दी, जिथे लोग आके अपने मन की मुरादा पूरी करते हैं। जो गरीब व्यक्ति ईरान इराक नहीं जा सकता, वो इतने आके सजदा करता है, जियारत करता है, उसनों हर तरह का जो सुकून मिलता है वो शब्दों में असं बयान नहीं कर सकते। हजरत मुहम्मद के 9वें वंशज हैं जिन्हें ये दरगाह है। इस दरगाह के बीच 8वें इमाम थे, उन्होंने ये वंशज हैं, इसलिए इस दरगाह के उत्ते आके जड़ा बंदा जियारत करता है उसनों जो कुछ
मिलता है वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।